हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ये प्रैक्टिस सेट बेसिकली ग्राफ्स के बारे में डील करता है। इसमें हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस को दो अननोन के साथ में हमने सॉल्व किए थे। दो इक्वेशंस होना जरूरी है बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस मैच करना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं उनको यूनिकली। अभी ये एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है बेसिकली। और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको ग्राफ्स बनाना पड़ेगा। वी नीड टू ड्रॉ सम ग्राफ्स। देखते हैं हम कैसे करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन नंबर वन एग्जैक्टली खाली आपको फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं हम लोग, और उसके अंदर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स 4। मीन्स दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स 4। ये दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ग्राफ्स बनाएंगे इनके, और उस ग्राफ पे इनको प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने से पहले पहले हम इनके इक्वेशंस को चेक, ये इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे एक। उस बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे एक जगह पे x, एक जगह पे y और एक जगह पे x कॉमा वाई। इस बॉक्स के अंदर हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि x की वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे इस इक्वेशन में। कोई भी एक जनरल वैल्यू लेंगे और इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे एट अ टाइम, कोई भी एक इक्वेशन लेके। और इंसर्ट करने के बाद हम करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेसिकली हम पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं 2D प्लेन के अंदर। ग्राफ के अंदर जो पॉइंट होता है वो x, y से दिया जाता है। तो लेते हैं हम पहला इक्वेशन और उसको सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 6। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, 6 माइनस एक्स। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हम इसमें जो चाहिए वो वैल्यू x की पुट कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की निकाल सकते हैं। मगर एक चीज याद रखना कि हमारा ग्राफ जो है बहुत बड़ा नहीं रहता, ग्राफ पेपर छोटा रहता है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको छोटी आना चाहिए, मतलब रेंज ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द रेंज शुड बी बिटवीन 0 to 8 और 9। उससे ज्यादा अगर आप लोगे तो फिर आपके ग्राफ पेपर में आएगा ही नहीं। अगर बड़ा ग्राफ पेपर है तो ठीक है, छोटे में तो बहुत मुश्किल है। हम लोग तो कोशिश करेंगे कि हम 5, 6, 7 बस इसके अंदर ही रखें। तो सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, x को सबसे इजी वैल्यू क्या हो सकती है जो हम यहाँ पर ले सकते हैं, 0। हम x को 0 ले सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की क्या मिलेगी, इट विल बी 6 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6। तो हमने एक वैल्यू लिखा x का 0 और हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली 6, इसका मतलब हमें मिल गया 0.0.6। अब हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे इसकी, उसके लिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहां पर पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1 करेंगे हम यहां। अगर हम x की जगह पे 1 करते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिलेगी 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर हमने यहां 1 रखा तो हमें 5 मिला, इट मीन्स हमें 1.5 मिला। दो पॉइंट्स काफी है एक लाइन को प्लॉट करने के लिए, मगर फिर भी हम तीसरा भी ले लेते हैं। चलो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो हमने अगर यहां 2 लिया, यहां 4 रखा, तो हमें मिलेगा 2.4।
अब हम दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स फोर, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये तो हमने पहला वाला सॉल्व किया, x माइनस वाई इक्वल्स फोर। एक्स माइनस वाई इक्वल्स फोर सेम तरीके से हम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इधर x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू और यहां पर x कॉमा वाई की वैल्यू। तो हम पहले यहां पर क्या अज्यूम करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इक्वल्स x माइनस फोर। हमने क्या किया कि x को यहां, y को यहां भेज दिया और 4 को वहां भेज दिया, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स x माइनस फोर। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं x इक्वल्स कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, बट ये कि रेंज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 भी पुट कर सकते हैं हम। x इक्वल 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0 माइनस फोर, हमें मिलेगा माइनस फोर। तो ये पॉइंट 0 है, ये माइनस फोर है, हमें मिले 0 0 कॉमा माइनस फोर। दूसरा हम पुट कर सकते हैं x की जगह पे 1, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स 1 माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो हमें मिला 1 माइनस थ्री विच इज 1 कॉमा माइनस थ्री। तीसरा हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स 2, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स 2 माइनस फोर जो कि माइनस टू हो जाएगा, तो इट इज 2 कॉमा माइनस टू। अब जो वैल्यूज हमको दोनों डब्बे में मिली है, आप केयरफुली देखो ये दोनों डब्बों को, जो वैल्यू हमको यहां मिली है ये वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज, और यहां पर जो हमको ये तीन वैल्यूज मिली है, ये वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे बेसिकली। ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, हम देखेंगे यहां पर लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने इनको प्लॉट किया तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी और दोनों स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा, जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वो पॉइंट और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, y y डैश पॉजिटिव और नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है पॉजिटिव और नेगेटिव x एक्सिस। अब आपने इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करने से पहले आप पहले नंबर्स दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी दे दीजिए 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्लॉट करेंगे पहला 0,6। 0,6 बेसिकली क्या होगा, x पे 0 और y पे 6, y एक्सिस पे लाई करेगा, x पे 0 और y पे 6 इधर लाई करेगा। तो हमने एक और बढ़ा लेना चाहिए था इसको आगे, ठीक है हम बढ़ा लेते हैं। ग्राफ पे आपके पास अच्छी खासी जगह होगी, आप उस पे अच्छे से उसको कर सकते हो। ओके, इसको 6 ले लेते हैं। अब हमने प्लॉट करना है 0,6 जो कि यहां पर आएगा, ये हमारा 0,6 है। दूसरा हमें प्लॉट करना है 1,5, x पे 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5, x पे 1 यहां से और y पे 5,
पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। ये हुआ वाई पे फाइव और ये हुआ एक्स पे वन। तीसरा जो पॉइंट है वो है टू कमा फोर। टू कमा फोर कहाँ जाएगा? टू कमा फोर देखते हैं, टू एक्स पे टू वाई पे फोर, कैन टेक हियर, और यहां से आप यहां चले जाओ एक्स पे टू और वाई पे फोर। तो ये तुम्हारा पॉइंट हुआ टू कमा फोर। आपको तीन पॉइंट्स मिल गए, बल्कि आप दोनों दो पॉइंट से भी काम चला सकते थे, बट ये तीन पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हो। यस, तो हम एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं ये तीनों पॉइंट से। इसके बाद हम बाकी के तीनों पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। वो है जीरो कमा माइनस फोर। जीरो कमा माइनस फोर कहाँ लाई करेगा? जीरो कमा माइनस फोर लाई करेगा x पे जीरो और y पे माइनस फोर, जो कि यहाँ है x पे जीरो y पे माइनस फोर। और वन कॉमा माइनस थ्री लाई करेगा, वन कॉमा माइनस थ्री, वन कॉमा माइनस थ्री, एक्स पे वन y पे माइनस थ्री, वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, और तुम्हारा आखिरी पॉइंट जो कि है टू कॉमा माइनस टू, वो लाई करेगा यहां टू एक्स पे टू वाई पे माइनस टू। तो आपको कितना मिलेगा? अब ये तीनों पॉइंट से आप एक लाइन पास करिए, देखिए कहां पर मीट करती है। वैसे अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली भी हम सॉल्व कर सकते थे, हमें मालूम पड़ जाएगा कि सॉल्यूशन कहाँ है। अगर हमने इसको ऐड किया तो हमें मिलेगा 2x is equal to 10, मतलब x पे हमें 5 मिलना चाहिए, और ये 5 उठाकर अगर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले इक्वेशन में तो हमें y मिलेगा 1, मतलब हमें 5,1 मिलना चाहिए। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमें करीब करीब वही मिल रहा है। आप इसको ग्राफ पे करोगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि आपको वही पॉइंट मिल रहा है 5,1, तो आपका सॉल्यूशन आपको बराबर मिल रहा है, जो कि आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी वही निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आपका सॉल्यूशन है 5,1, जो कि दोनों लाइन पर लाया कर रहा है, और इस इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है जिसे हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली तो हमें 5,1 मिलेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशंस इज 5,1। ग्राफ्स पे आप बेसिकली इसको प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपने इसको ग्राफ पे प्रैक्टिस किया तो ये और ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर तो ये डिफिकल्ट है बनाना, बट ग्राफ पे बहुत सिंपल होगा बनाना। पॉइंट्स आपको इजीली दिख जाएंगे, इजीली आप स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर सकते हो, स्केल और पेंसिल का यूज करो, ग्राफ पेपर का यूज करो, इट विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, वापस से एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं आपके हाथ में, वो दोनों इक्वेशंस को आपको वन बाय वन प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को यहाँ लिखोगे, इक्वेशन को y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करोगे, मतलब एक तरफ y रखोगे और दूसरी तरफ x को भेज दोगे, फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की निकालोगे। ध्यान रखना कि ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आए, आप ये ध्यान रखेंगे कि वैल्यू छोटी ही रहे, और छोटी वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा क्लेवर करना पड़ेगा। मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूशन किया है कि वैल्यू ज्यादा बाहर नहीं जा रही है। सो x की वैल्यू हमने 0 लिया, y 6 मिला, इस तरीके से हमने बाकी वैल्यूज को भी निकाला x पुट करके, हमें तीन वैल्यूज मिल गई। दो वैल्यू काफी थी मगर हमने फिर भी तीन वैल्यूज निकाल ली, बिकॉज दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन इजिली पास हो जाती है। फिर ये वैल्यूज को निकालने के बाद हमने दूसरा इक्वेशन लिया, दूसरे इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा, दूसरे इक्वेशन को भी हमने y इक्वल्स x को वहां भेज दिया और इस तरीके का फंक्शन क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशंस किए उसके अंदर x की वैल्यूज को,
सब्स्टिट्यूट किया और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाली, पॉइंट्स क्रिएट किए और फिर प्लॉटिंग किया हमने, उस वाले और इस वाले दोनों इक्वेशंस की प्लॉटिंग की। प्लॉटिंग करने के बाद हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है वो फाइव कॉमा वन है। इज इट क्लियर? दिस इज योर सॉल्यूशन। ये ग्राफिकली हमने सॉल्व किया है। ओके okay. अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं, बट सिंपल है, काफी सिंपल है। लीनियर इक्वेशन एज अ होल चैप्टर ही सिंपल है। ओके हमारे हाथ में दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो और दूसरा है टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स नाइन। ये दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे हम। हमने इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स जीरो, हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। अब पुट x इज इक्वल टू जीरो तो हमें y क्या मिलेगा, हमें y मिल जाएगा जीरो। अगर हमने x के जगह पे 1 पुट कर दिया तो हमें y मिल जाएगा माइनस वन। सिमिलरली अगर हमने x के जगह पे 2 पुट कर दिया तो हमें y मिल जाएगा माइनस टू। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, सॉरी प्लॉट करने से पहले हम उसको क्रिएट करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे उसका, उसमें एक्सप्रेस करेंगे इसको, फिर प्लॉट करेंगे। ये हमारी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये हमारी x कॉमा y की वैल्यू। वैल्यू है 0 0 व्हिच इज 0 कॉमा 0। सेकंड वैल्यू है 1 माइनस 1, हमें मिलेगा 1 कॉमा माइनस 1। थर्ड में है 2 माइनस 2 व्हिच इज 2 कॉमा माइनस 2। इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे व्हिच इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 9। देखते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस y इक्वल्स 9। इस इक्वेशन को भी हम पहले एक्सप्रेस करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x। हम चाहे तो x एज अ फंक्शन ऑफ y भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये ज्यादा सिंपल होगा बिकॉज अगर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे तो हमें किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज x के आगे तो नंबर 2 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हमने y को वहां भेजा, 9 को यहां भेजा, हमें मिलेगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू y, देयरफॉर अल्टीमेटली y हो जाएगा 2x माइनस 9। अब वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं हम। पुट x इज इक्वल टू 0 मत पुट करना, बिकॉज y आपको माइनस 9 मिलेगा, काफी बड़ा नंबर होगा प्लॉट करने के लिए, तो आप कोई दूसरा नंबर चूज करो। आप चूज कर सकते हो लाइक 1, 7 थोड़ा अंदर है, माइनस 7। सो आप y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 7। सो आपको वैल्यू मिल गई 1 कॉमा माइनस 7। उसी तरीके से आप x को 2 पुट करो, आप x को 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 9, और वो आपको मिलेगा माइनस 5। तीसरी वैल्यू आप ले सकते हो x इज इक्वल टू 3, तो आपको y मिलेगा 2 टाइम्स 3 माइनस 9 जो कि 6 माइनस 9 है जो कि माइनस 3 है। अब वापस से इसको आप लिख दो एक बॉक्स बनाकर, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई
वैल्यूज क्या क्या आई हैं आपको, 1 माइनस 7, 1 कॉमा माइनस 7। दूसरी वैल्यू आपको आई है 2 माइनस 5 विच इज 2 कॉमा माइनस 5। तीसरी वैल्यू आपको आई है 3 माइनस 3 विच इज 3 कॉमा माइनस 3। आपने ये भी वैल्यूज निकाल ली। अब आप प्लॉटिंग करोगे, अब आप ग्राफ बनाओगे। बेसिकली ये पार्ट आपका ग्राफ का शुरू यहां से। देखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाए। सेम पहले आप एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे। ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है। अब इस पे आप प्लॉटिंग करना चालू करोगे। सबसे पहले आपके जो सॉल्यूशंस थे वो थे 0,0, 1,-1 एंड 2,-2। इजीली प्लॉट कर सकते हो। 0,0 बेसिकली ओरिजिन पे आएगा। अच्छा मैंने नंबर्स नहीं दिया, नंबर्स भी दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5। जिसको इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज मेरी वैल्यू -7 तक जा रही है। एंड यू हैव -6 एंड -7। ऊपर आप जाओगे 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमने पहला प्लॉट कर दिया 0,0, दूसरा था 1,-1। यस ये है 1,-1 और 2,-2। सो लेट अस प्लॉट दोस टू। वन कॉमा माइनस वन बेसिकली यहां आएगा एंड 2,-2 यहाँ आएगा। कैसे हमने लिखा इसको, 1,-1 के लिए x पे 1 और y पे -1, यहाँ पर x पे 2 और y पे -2। तो ये यहीं पर रीच करेगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहो तो आप इजीली बना सकते हो इससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। देखते हैं बनाकर। तीनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। हम देखेंगे कि हमें कितना एक्सटेंड करना है लाइन को ताकि वो कट कर सके एक दूसरे को। वो हमारे ग्राफ पे डिपेंड करता है और वैल्यूज पे डिपेंड करता है। उसके बाद की वैल्यूज देखते हैं हम। प्लॉट करना है हमें दूसरी इक्वेशन में 1,-7, 2,-5। 1,-7 किधर आएगा, एक्स पे 1 और वाई पे -7। एक्स पे 1, वाई पे -7। ये 1 को एक्सटेंड करते जाएंगे हम, 1 को एक्सटेंड करेंगे टिल -7। ये होगा तुम्हारा 1,-7। और जो दूसरी वैल्यू है वो है आपकी 2,-5। तो 2 और -5 तो ये आपका 2,-5 आ गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा तीसरा वैल्यू जो कि है 3,-3, जरूरत नहीं है उसकी बिकॉज प्लॉट करने के लिए जो हमें जरूरी था वो मिल चुका है। बट फिर भी हम ले लेते हैं 3,-3। हो सकता है वो लाइन पर लाई करे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, इक्वेशन क्या है। पहले वाली लाइन का इक्वेशन है 3x + y = 0। तो अगर आप 3 - 3
अगर पुट करो एक्स और वाई की वैल्यू तो जीरो आ रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसका मतलब ये हो गया कि थ्री माइनस थ्री इसके ऊपर लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन दिस लाइन ऑल्सो, लाइज ऑन द लाइन, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यू, अगर उस पर लाई कर रहा है तो हमने इसी के ऊपर बनाना है। और हमें अभी लाइन पास करना है इस पे, तो लाइन पास करते हैं, जो लाइन पास हो रही है यहां से लेके तक, तो हमें सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल चुका है ये, क्योंकि थ्री कॉमा माइनस थ्री ही है जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन है थ्री कॉमा माइनस थ्री, दिस इज आर सॉल्यूशन, या बिकॉज दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशंस इज थ्री कॉमा माइनस थ्री। आसानी से आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करके सॉल्व कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है, काफी आसान है ये, अगर आप इसको गो थ्रू करो एक बार वापस से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ कुछ हार्ड नहीं है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकली सॉल्व करना लीनियर इक्वेशंस को हार्ड नहीं है, बट आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, नॉर्मल बुक में प्लॉट मत करो, ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, स्केल यूज करो, पेंसिल यूज करो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2।